एंड फाइनली जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि जो फिल्म है स्वतंत्र वीर सावरकर, ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, इसकी रिलीज डेट आ चुकी है 22 मार्च को ये जो है फिल्म रिलीज़ हो रही है। और इसका जो है सावरकर का जो किरदार निभा रहे हैं वो रणदीप निभा रहे हैं। रणदीप ने ये कहा है कि उन्हें जो है अहिंसा से नफरत है, गांधी से नफरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। ये फिल्म जो है दो भाषाओं में रिलीज़ होने जा रही है, हिंदी और मराठी। इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी के जो भजन है वैष्णो जन तो तेनु कहिए, इस तरीके से इसकी धुन पर जो है इस फिल्म को जो है रिलीज़ करा जा रहा है। इसके जो है रणदीप इसका जो है किरदार निभाएंगे सावरकर का। सावरकर इसमें गद्दार दिखाए गए हैं या फिर देशभक्त दिखाए गए हैं, ये जो है 22 मार्च को ही जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तब पता चलेगा। फिलहाल तो इसकी रिलीज डेट आ चुकी है। इसे जो है बहुत लोग कयास लगाते हैं ये जो है स्वतंत्र वीर सावरकर जो है मूवी कब रिलीज़ होगी, कब इसकी डेट आएगी। फाइनली जो है शहीद दिवस पे इसकी जो है डेट फिक्स कर दी गई है, 22 मार्च को जो है ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। और बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म भी देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से धमाल मचाएगी, क्योंकि इस फिल्म के जो है जो किरदार आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। इसमें जो है रणदीप वायकायदा खुद सावरकर का रोल निभाएंगे। अब वो रोल उनका कौन सा होगा, किस तरीके से वो रोल को निभाते हैं, या फिर उसे जो है सावरकर उसमें देशभक्त दिखाया जाता है या फिर अहिंसा के पथ पर दिखाया जाता है, ये सब फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल ये फिल्म जो है जिस तरीके से इसके इमेजेस आ रही हैं और ट्रेलर इसका जो है रिलीज़ हुआ है उससे यही दिखाया जा रहा है कि सावरकर जो है इसमें देशभक्त हैं, उन्होंने जो है एक देशभक्त की तरह से इस फिल्म को रिलीज़ करा जा रहा है। रणदीप जो है इसके जो है रोल प्ले करेंगे और अंकिता लोखंडे भी इसमें जो है अहम किरदार निभा रही हैं। फिल्म बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही लजाव फिल्म होने वाली है। 22 मार्च को जो है इसका अच्छा खासा आपको बॉक्स ऑफिस धूम मचाने को देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म आने वाली है। स्वतंत्र वीर सावरकर नाम से इस फिल्म को रिलीज़ करा जा रहा है। जो सावरकर हैं उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, उनके जीवन काल पर इसमें जो रोशनी डाली जाएगी और पूरी तरीके से इसे दिखाया जाएगा कि सावरकर आखिर इसमें देशभक्ति का उन्होंने रोल निभाया है या फिर उन्होंने गद्दारी का रोल निभाया है, ये सिर्फ फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।